ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰੰਬੋ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰੰਬੋ हाँ? जल्दी कर यार, तुझे अभी तक बाल नहीं मिल रहा। तो ढूंढ रहा हूँ ना यार, जल्दी कर, तो सबर कर दे। मैं अभी इधर देख, इधर किधर रह गया यार। इतनी देर में तो एक ओवर की 6 गेंदें हो जाती हैं, यानी तुमने एक ओवर का टाइम गेंद ढूंढने में जाया कर दिया। मैं जब इंग्लैंड में होता था, ओ ब्रादर, ओए मिल गई है सर जी, आप खड़े हो जाए, मैं गेंद कराता हूँ जी, मुझे आती है, देखें आप खड़े हो जाए। यहाँ कोई क्रिकेटर वगैरह ठहरे हैं? हाँ जी ठहरे हुए, मैं अभी मिलाता हूँ। एहसास साहब ठहर जाओ यार, ये शॉट तो खेल लेने दो। हैं? ये कौन है, कोई कोच वगैरह है? नहीं नहीं, कोचे तो यहाँ से नहीं चलती। ओए जेल ना हो तो, कोच नहीं जी ये, इधर वो हैं। कौन, मैनेजर, एम्पायर या कमेंटेटर? ओ नहीं जी नहीं, ये खिलाड़ी हैं, बल्कि ये कहें कि क्रिकेट के हीरो हैं ये। नाम क्या है? माय नेम इज रंबो, रंबो जान, रंबो विकेट किलर। और बेवकूफ, ये एहसास साहब के बारे में बात कर रही है यार। अच्छा, मेरा नाम एहसास है, पुराना खिलाड़ी हूँ, वैसे अब रिटायर हो चुका हूँ। हाय, हम तो इंतजाम से मिलने आए थे। हाय इंजमाम से आप गलती से मिलने आई ना जी? इंजमाम यानी आपने, आपको किसी ने गलत बताया? यार चलो चलो चलो, मैं जरा थक गया हूँ, जरा कमरे में जाके आराम करना चाहता हूँ। हेलो हेलो, बे बोले भी कौन है? हेलो, किसका फोन था? पता नहीं कौन था। तो पूछ लेना चाहिए ना किसका फोन है। बोले तो पूछू ना, नाम पता पूछने से पहले फोन बंद कर जाता है। कर जाता है बोलता है नहीं और कर जाता है, कैसे पता कर जाता है या कर जाती। जी भाई क्या हो रहा है? कोई टेलीफोन पे ना तखमीना को तंग कर रहे। वो कौन है? ऐसे ही मुझे तंग कर रहा है। मैं तो कह रही थी काफी दिनों से फोन आ रहा है, मैं फोन उठाती हूँ तो कोई ठंडी सांस भर के फोन बंद कर जाते। ठंडी सांस भर के फोन, ओए मुबारक हो भाई। प्रमोशनों का अगला शुभारंभ। ओहो, मुझे भी तो बताएं क्या बात है। वैसे ये आप किस बात पे हंस रहे हैं, ये कोई लॉटरी शॉटरी निकली है? खामोशियों का शुमारा नंबर 26। ये तो मुझे पहले भी पता था। अच्छा, तू एक मिनट, माय नेम इज रंबो, सर सर देखिए। हेलो, देखिए मिस खामोशियों, आप जरा आराम से मेरी बात सुने, आपको कोई फायदा नहीं है ये बातें करने का। ये जो गेस्ट हाउस है ना, ये बेगम साहब के नाम है और मेरी बात, बेगम से बात। देखिए जी मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारे शमीम साहब है ना, ये गेस्ट हाउस से बारो बारी शेर है, घर में यहाँ गेस्ट हाउस में बेगम साहब के सामने बकरी की तरह मैं। देखिए मिस खामोशी, मसला ये है कि मैं नवीद बोल रहा हूँ, बेगम साहबा को आप जानती नहीं है, उनकी आपने एक झाड़ सुनी ना तो आप ये शहर छोड़ के चले जाएंगे, आपको बेगम साहबा के। सलाम जी, किसका फोन था? वो जी घोड़ी आई, नहीं नहीं वो घोड़ा मंडी से था जी, रॉन्ग नंबर जी, रॉन्ग नंबर। हाँ जी, वैसे ये फोन कोई ज्यादा ही बिजी नहीं रहने लग गया? मैं मार्केट से मुसलसल फोन कर रही थी। अंगेज जब करो अंगेज, ये कोई बात है भला, जरा कम इस्तेमाल किया करो। वो किधर है मेरे हीरो? वो जी तेरा नंबर में जी, शमीम का पूछ रही है। शमीम साहब का पूछ, अभी थोड़ी देर पहले ये टेलीफोन। नहीं वो जो है ना जी अपना, वो रिटायर्ड टेस्ट क्रिकेटर है जी एहसास साहब, उनकी शिकायतें। उनको क्या शिकायत होगी, यही कि देखिए जी आप लोग मेरे फैंस के जो खत हैं वो गायब कर लेते हैं, ये बुरी बात है, मैं इसे पसंद नहीं करता। ये रिटायर्ड होकर लोग कुछ ज्यादा संगीन हो जाते हैं। आप हेलो, हेलो है बंद कर गए? नहीं बंद नहीं बेगम साहब, ये ऊपर से ना। नहीं नहीं नहीं, लॉन्ग कॉल जी, लॉन्ग कॉल जल्दी कर जाती जी, लॉन्ग कॉल। हाँ जी, ये वो मेरी थी ना जी, वो पत्नी हवेली है, चूचा पत्नी से। चलो जहाँ से भी थी वो आए ना मेरे हीरो,
तो कहना कि मैंने कमरे में याद फरमाया। अच्छा जी, मेरे यो शमीम साहब इस उम्र में शमीम साहब ही तो बड़ी तब्दीली आई है, यानी कंजूस से हीरो। ना जब जब खामोशियां आती हैं ऐसे ही होता है। बस एहसास साहब, ये तो वक्त वक्त की बात है। अपने वक्तों में आप थे, आज इंतजाम है, वसीम अकरम है। नहीं साहब, उस जमाने में बड़ी मेहनत होती थी, बड़ी लगन थी, बड़ा जज्बा था, और ये मुराद भी हासिल न थी जो आजकल के खिलाड़ियों को हासिल। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये मुराद हासिल न थी, लेकिन देखिए ना, क्रिकेट का खेल जो है ना बड़ी तरक्की कर गया है। पहले ये लॉर्ड्स का खेल था, अब ये अवाम का खेल बन चुका है। क्या बात याद दिलाई है आपने, लॉर्ड्स का खेल। बैठे एक मिनट, बैठे मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। असल में अब बैठे तो सही, बट लॉर्ड्स की क्या बात कही आपने। साहब शमीम साहब, एक दफा हम इंग्लैंड में मैच खेल रहे थे, वहां बड़े बड़े लॉर्ड्स और राजे महाराजे आए हुए थे। एक लॉर्ड को एक शॉट इतना पसंद आया कि उसने अपनी नई रोज राइज उस खिलाड़ी को उस शॉट पे तोहफे में दे दी। क्या मतलब, गाड़ी रोज राइज तोहफे में दे दी। ये खिलाड़ी कौन था? आपका ये खाकसार। देखिए एहसास साहब, फिर आप कहते हैं कि जनाब वो कदर नहीं करते। अरे नहीं साहब, ये कोई कदर नहीं है, यानी कि हर लुच्चा लफंगा मैदान में कूद पड़ता है इमरान को गले लगाने के लिए। क्रिकेट ना हुआ कबड्डी हो गई, नाराज हुए तो बोर्ड को जूतियों के हार भिजवा दिए, अखबार में गालियां लिखवा दी। ये तो अपने अपने नुक्ते नजर की बात है। अच्छा चले, ठीक है, आप ठीक है, मैं चलता हूँ। एक मिनट, असल में वो बात एक मिनट बैठे तो सही। नहीं आप बैठे तो सही, मैं आपको अपनी किताब में से एक पैराग्राफ सुनाना चाहता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, मुलाजा कीजिएगा। Sir Gary Sober, in his book, remarks that all-rounder Ehsaas played valuable innings for 15 years. Subtract Lewis from that slip area. Do you see the game? ये देखें, ये मैंने सारे लगा दिए हैं, जो सही ना हो ना आप मुझे बताएं, मैंने कहा दूंगा सर। सुनिए, हमने सुना है कि इंजमाम इस्लामाबाद आए हुए हैं और यही ठहरे हैं। क्या है जी, कौन है आप? सर ये कह रही हैं कि वो जो नए हीरो है ना, वो मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं। इंजमामुल आक। हाँ जी वो यहाँ नहीं ठहरे हुए जी। बस इतना ही बता दें कि अंदर है या नहीं, हमने तो बस ऑटोग्राफ लेने हैं, बस एक झलक देख कर चली जाएंगे हम। ओहो, आइए मैं आपको तलाशी के तौर पर गेस्ट हाउस के हर कमरे में ले चलता हूँ, आइए। जी नहीं शुक्रिया, अब हम इतने भी बेवकूफ नहीं। बदतमीज लोफर गुंडा आया बड़ा कमरा दिखाने वाला, मुझे वाला ऊद बुलाओ। चलो चलो चले। बानू, ये लड़कियां क्या कह के गई हैं? बकवास ना करें। हेलो हेलो, उसी का था, लगता है अब मिसेस शमीम से बात करनी पड़ेगी। परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, आगे भी एक दफा बड़ा सीरियस मामला हो गया था तो बेगम शमीम ने पता क्या किया था, अब्बा जान को बुलाया, साथ दोनों भाइयों को बुलाया, और भाइयों ने इस तरह करके गुरी डाली ना शमीम साहब को, तो शमीम साहब बकरी। और वो वाली जो मिस खामोशियां थी ना, अब वो मिसेज मजीद है और बेगम साहबा की सहेली भी। और पता क्या, शमीम साहब को कैसे बुलाती है, शमीम भाई देखो मेरे बच्चे जो है ना बड़े। और अपने बच्चों को कहती है मामू को छाम करो, पाड़ी की बिल्ली बन के दिखाओ। फिर भी हमें ऐसे बातों पे खुश नहीं होना चाहिए। चलो, वैसे ऐसे मौकों पे शमीम साहब हीरो हो जाते हैं सच मुझ के, अपनी बड़ी मजे होती है। क्यों भाई, क्या हाल है तुम सब लोग? जी सर। बड़ी गप्पे गप्पे हो रही है, ठीक ठाक हो? जी सर। अच्छा देखो, तुम सब लोग एक चीज का खास ख्याल रखना, अपने एहसास साहब है ना, ये अपनी डाक के मामले में बड़े फिक्रमंद हैं, इनकी डाक इधर से उधर ना होने पाए। फिक्र ही ना करें जी। दरअसल बात ये है कि मैं अपने फैंस के खतों के जवाब देना अपना फर्ज समझता हूँ। बिल्कुल, ये बात जब मैं इंग्लैंड में था ना, जी वो मैं अपना चाय का ना बोल रहा हूँ, शाम की चाय। तुम कितने अकलमंद हो गए मुराद, बिल्कुल चाय का कहकर आओ। और वो बेगम साहब आ गई नहीं? आ गई कभी की जी, वो कह रही थी मेरा हीरो आए तो उसे कहना कि मैं कमरे में इंतजार फरमा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बेगम साहबा का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। सब इस जमाने में भी कैसे कैसे कदरदान है। मैं इंग्लैंड के बारे में आपको बता रहा था जनाब, इंग्लैंड में हमारा मैच था, जबरदस्त टीम थी इंग्लैंड वालों की, 300 रन की कसर थी, कप्तान ने मुझे बुलाया,
मैंने जनाब बल्ला घुमा, पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे चौका, तीसरी बॉल पे फिर छक्का। नीचे हो जाना, नीचे नीचे, आसा आसा चलो चलो। नहीं यार, इसका क्या करें भाई? भूमि, मैंने हाल सोच लिया। पता है क्या, आज मैं सुबह गया था ना, टीवी वाले अपने फैनों के खत जो बाहर नहीं पहनते, मैं बोरी बाहर के ले आऊं इस किस्म के लिफाफे। लिफाफे तो है, वो मजमून लिखना है, खत लिखना है, उसमें ये लिखेंगे जी हम आपके फैन हैं, आपके दौर में आपने जो छक्के लगाए अल्लाह अल्लाह, और जो आपने सेंचुरियां बनाई हैं, बस ये। और आखिर में लिख देंगे आपकी प्रस्तार तमीना। ओ नहीं नहीं, तमीना नहीं, सरीना। अच्छा तो ये इधर काम कर, ये मुझे देखा, ये यार देख, उन्हें अपना होश है कोई? बस जनाब, मैच का आखिरी बॉल था और हमें मैच जीतने के लिए 3 रन दरकार थे, 2 रन हो तो 28, और उस वक्त मुझे आ रहे थे पसीने ठंडे, ठंडे पसीने। फिर आपने ऐसे किया होगा, अल्लाह का नाम लेकर बॉलर को देखा होगा, गेंद आई, आपने बल्ला घुमाया, गेंद बाउंड्री लाइन पार, चौका, फिर पूरे स्टेडियम में नारे लगे होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान बनने से पहले का वाकया। अच्छा, तो आप पाकिस्तान बनने के बाद की कोई बात सुनाए ना जी, आप ऐसा करें वो शारजा वाले चौके छिके की बात सुनाए कोई। सर छोड़ें जी, ये आपके खाते हैं, ये देखें। वेरी गुड, थैंक यू, मेरे फैंस के खाते हैं। हाँ जी, खरबरदार बरखुरदार रैम्बो जी, तुम इंशाल्लाह बहुत जल्दी तरक्की करोगे। बस सर, क्या करें, क्या ख्याल है, इसके जवाब लिख दिए जाए? सर जी फौरन, देरी नहीं करनी चाहिए जी। सर ऐसे करें, पेन तो ऊपर है जी कमरे में, तो मैं कमरे में जाके लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। सुनो, हाँ जी, तुम कमरे में जरूर आना, एक तो ये खत पोस्ट कर देना, ठीक, और मैं तुम्हें स्पिन बॉलिंग के बारे में भी कुछ बताऊंगा। स्प्रिंग बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, सर मुझे आती है जी। अच्छा? ये देखें सर, सर थोड़ी सी जगह छोड़े, ये देखें, ना ना ना, कमरे में आना, मैं तुम्हें सही करा दूं। अच्छा अभी सही नहीं है, फिर थोड़ी ज्यादा होगी तो अब से। शुक्र है यार, जान छुट्टी और लंबी कहानी शुरू करता है। भाई बुरी बात है, पुराने हीरोज का अदब करना चाहिए। ये अदब अदाब सुबह 2 घंटे में कमरे में लगा चुका हूँ, ये मुझे अपनी किताब सुना रहे थे और मैं बैठा हुआ बस ये मार रहा था। मुझे तो बड़ी बस शुक्र है शमीम साहब आए जान छुट्टी। ओए सर, ये शमीम साहब किधर है? शमीम, देखो कितना प्यारा सूट मैं लेके आई हूँ, गजब की सेल लगी हुई है ना, जो सूट कल 425 का था ना, वो मैं 225 में लेके आई हूँ, पूरे 225 की बचत की है तुम्हारी, अच्छी है। अरे ये कोई ना कोई डिफेक्ट होगा इसमें, समझते नहीं तो इन बातों को। अरे रंग तो देखो, अरे मुझे तो कोई मुफ्त भी दे तो मैं ना लूँ, ये कमाल सर, कभी खुश ना होना। अच्छा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, फोन किसका था? कोई नहीं, कट गया, ये तो जबरदस्त रंग है, देखो कलर देखो इसका कितना खूबसूरत है भाई, तुम एक ही जगह 2 ले आती है, ऐसी क्या बात की? भाई तबीयत तो ठीक है, अभी तो तुम कह रहे थे किसी काम का सूट नहीं, तो अब तुम तारीफ ही करो। मैं ये कह रहा था कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो। ये फोन को क्या सुरेश लगी जो हाथ फोन पे ही चिपक गया तुम्हारे? नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरा हाथ तो बिल्कुल ठीक है, मैं ये कह रहा था कि मेरे लिए क्या लाई। हाँ, तुम्हारे लिए वो मैं ये लेके आई थी, ये किसका फोन है? वो पता नहीं, कोई तंग कर रही कर रहा है। चलो मैं देखती हूँ, मुझे दिखा, क्यों मुझे दिखा? मैं देखती हूँ ना कौन तंग कर, इधर क्या कौन है? नहीं मैं हूँ जी नवीद। अच्छा तुम? अजी कोई सर डी है जी, मैं बता देती हूँ। हाँ, किसका किसका फोन था? पता नहीं, कोई वो मिस्टर ई डी डी है कोई। या अल्लाह तेरा शुक्र है मौला, है मिस्टर डी का फोन था। ओए ये तो ये मैं किधर जा रहा हूँ, क्या हो गया? मेरी अनक दो, क्या ये क्या बकवास है? अपनी आंखें तो लेते। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तोबा तोबा शमीम, उम्र देखो और बदहवासियां देखो तुम। ये क्या बकवास कर रही हो? देखो वो मिस्टर डी का टेलीफोन था, तुम्हें याद है मिस्टर डी कौन है? अरे ये मिस्टर डी वो है जो आलमी सतह पर सारी दुनिया के लोगों का बायोडेटा जमा कर रहा है, जो नामवर किस्म के लोग थे और जब वो गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, इसके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उनकी फलाई बहबूद के लिए, वो 30 लाख रुपए का ठेका
हमें प्रोजेक्ट हमें दे रहा है। अच्छा 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 वही 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 वो जिसकी बीवी को पक्का राग पसंद है। हाँ, तुम्हें तो याद आ गया। हाँ, वही बिल्कुल। चलो चले जल्दी से। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। अरे आओ तो सही, जल्दी आओ। सर, आई इन्फॉर्म्ड हिम, इज जस्ट कमिंग सर। शुक्रिया सर। आर यू स्टेइंग हियर? नहीं बीबी, नहीं, अभी मेरी बेगम इंग्लिस्तान से आएंगी फिर। सर, आई गो वांट उधर आपके साथ हॉलीवुड एक्टिंग जी। नहीं भाई, मुश्किल है। सर, इन योर कंट्री बिग बिग टीआईपी? जहां मैं रहता हूं वहां के लोग अपनी जबान बोलना पसंद करते हैं। अच्छा अच्छा, तभी इजी फील करते हैं। हेलो जी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अच्छा, बेगम के पास बैठकर। वो फो नहीं, ज्यादा देर इंतजार तो नहीं करना पड़ा? अच्छा अच्छा, सिर्फ 5 मिनट और 17 सेकंड। मुझे तुम्हारा ये मेहमान खाना बहुत अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आओ, आओ। यार, ये शमीम साहब को देखो, हम उसके साथ इंग्लिश बोल रहे हैं, वो आके उर्दू में शुरू हो गया। मिस शमीना, आप ना जी हंसती हुई ना बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, तुम भी तो अच्छे लगती हो रैंबो भाई। ना जी, ये आपके कितने भाई हैं? कल आप भवनवीत और मुराद को भी कह रही थी तुम्हारी शक्ल मेरे भाइयों से बड़ी मिलती है। हाँ तो ठीक कह रही थी ना, पुप्पी जात और खाला जात भाई होते हैं। ओ, ओ, भाई क्या तुम लोगों ने यहाँ जमघटा लगाया होता है, लगता पुतलियों का तमाशा हो रहा है। तमीना, मैंने इतनी अच्छी शॉपिंग की है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, सेल लगी हुई थी, सस्ती खूबसूरत चीजें, आओ मैं तुम्हें दिखाऊँ। चले ये कल लड़कियां क्या कह रही थी तुम्हारी मूंछों के बारे में? हेलो, देखे मिस खामोशियां, मेरी बात गौर से सुने। देखे अपना देखे मिस, अगर आपकी जुबान इजी फील कर गई है तो मुझे बताएं। नहीं नहीं, मेरा मतलब आप गूंगी है। देखे मिस खामोशी, आप सिर्फ, मैं जब कहूंगा ना कि आपने शमीम साहब से बात करनी है, आप सिर्फ हाँ कह दे, मैं आपकी बात करवा देता हूँ। देखे जी, मैं आपसे बात करता हूँ। हमारी मैडम जो है ना, मिसेस शमीम, वो जो है वो जल्दी शॉपिंग करके वापस आ गई, आप चाहे तो मैं उनसे मिलवा सकता हूँ आपको। रैम्बो, ये मैंने खत लिख लिया, जरा याद से इसे पोस्ट कर देना। अच्छा सर जी। रैम्बो जी, यार तुम खासी स्मार्ट आदमी हो। सर बस ऐसे ही है जी। मुझे अच्छी तरह याद है तुम्हारी उम्र का और तुम्हारी शक्ल का एक लड़का तुम्हारा मैच देखने आया करता था। अच्छा जी। एक दिन पता क्या हुआ जी, हमारा वन डाउन खिलाड़ी बीमार हो गए। सर, आप उन दिनों नायब कप्तान हुआ करते थे। हाँ हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? आपने कोई 20 दफा तो मुझे ये पहले किस्सा बताया जी। हाँ हाँ, तो हमने सोचा कि रिस्क ले लेते। आपने फिर उस लड़के को 3rd नंबर पे भेज दिया। हाँ, और जहाँ फिर पहले ही बॉल पर चौका और ऐसा चमका, वो 20 साल तक वो खेलता रहा जी 3rd नंबर पे। तुम्हें मालूम है वो कौन था? सर कम से कम मैं नहीं था जी। जाहिर है तुम नहीं थे, लेकिन तुम्हारी शक्ल उससे बहुत मिला करती थी। अच्छा जी। एक दफा का जिक्र है कि इंग्लैंड की टीम, नहीं मेरा ख्याल है हमारी टीम इंग्लैंड गई। नहीं सर, अमरीका की टीम आई होगी। अमरीका में तो क्रिकेट होती नहीं। नहीं होती शायद, न्यूजीलैंड की टीम, नहीं हम लोग न्यूजीलैंड गए थे। जनाब क्या मजमा था। Last ball coming up, 4 runs required. And this is 6 and Pakistan have won. It's
That's gone right over. That fielder for a moment would have thought the wind was going to hold it up. A beautiful strike. Lovely orthodox looking stroke. And that V for victory sign and the big beaming smile on the face of that Pakistani was, I should think, exactly the way he drove at the end of that field. You see it again. Still there. Should track Lewis. Veteran, a magnificent win when you're chasing 262, you have to do all the hard work. Well, the entire Pakistan team has raced onto the field, and no wonder. This has been a fantastic batting performance by Pakistan. The world is coming down. The flags are up. Who's going to be number one? Who's going to take out the cup? स्टेडियम तमाशाइयों से भरा हुआ था। हर बॉल पर एक छक्का और हर शॉट पर तमाशाइयों का मजा। ये क्या हो रहा है? रैंबो, ये क्या हो रहा है? सर, एक रन्स रहता था जी, आप आ गए हैं जी। रन्स रहता था, लगता है सो रहे हो। ये दोनों कहाँ हैं? यही है जी। मैं खट डाल रहा हूँ जी। ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ? सर, वो असा साहब की डाक। ठीक है ठीक है ठीक है। ये कहीं ये वो अजीम बल्लेबाज। हाँ हाँ, अरे डी, तुमने इन्हें पहचान लिया? ये हैं एहसास साहब भाई। यूरोप में 1940 से 1955 तक इनके नाम का डंका बजता था। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। मैंने आपको देखा अभी कुछ दिन पहले, क्रिकेट के मौजू पर एक बहस हो रही थी, बात चल रही थी, आपका बहुत देर तक जिक्र रहा। बड़ी नवाजिश, बड़ी शुक्रिया। अगर आप महसूस ना करें तो मैं आपको चाय की प्याली की एक दावत दे सकता हूँ। आप हमारे मेहमान हैं, कमरे में चल के चाय पियेंगे। वैसे मैंने क्रिकेट के ऊपर एक किताब लिखी है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। बचपन में मैंने आपका एक मैच देखा था, क्या होगा सबका खेलते हैं आप। बल्कि आपको मैं एक और बात बताऊँ कि क्रिकेट में आप मेरे आइडियल रहे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, अब मुझे इत्मीनान रहेगा। ये लड़की का है? हाँ, वो तमीना जी। हाँ हाँ, तमीना। बेगम साहब के कमरे में शॉपिंग देखने गए। अरे ये भी कोई वक्त है बेगम साहब के कमरे में शॉपिंग देखने का? अरे तुम्हें पता नहीं है कि हम परसों को एक बहुत जबरदस्त म्यूजिकल इवनिंग का इत्मीनान किया है, और ये गेस्ट हाउस को साफ सुथरा करना है, इसको चमकाना है। तुम ऐसा करो मुराद, तुम जाओ साथ वाले स्टोर से जाके पेंट वगैरह और सारी चीजें ले आओ, और इस गेस्ट हाउस को चमका दो बिल्कुल। और हाँ, ये करो कि ये फानूस और झंडियां और ये चीजें सारी लेकर आना। जाओ, अरे क्या देख रहे हो, जाओ ना। झंडिया वड़िया आ जाएंगी, कोई मसला नहीं। अरे तो जाओ ना सर जी। हाँ हाँ, पैसे 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 तो तुम्हें दे देता हूँ। नवीद, तुम ऐसा करो कि तुम जाओ साथ वाले डाइनिंग रूम में, देखो कि अगर वहां हम इंतजाम कर दें तो कैसा रहेगा। हाँ। भाई देखो, ये मिस्टर डी और मिसेस डी, इनको खुश करके भेजना है, ऐसे ही नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ। देखो तहमीना, अभी वक्त है, और दो साल गुजरे ना तो सब बुढ़ी बुढ़ी कहने लग जाएंगे। वही जो कभी बेबी बेबी कहते थे ना, वही आंटी आंटी कहेंगे, और शर्म भी नहीं आएगी उन्हें। लेकिन आप ही कोई अच्छा रिश्ता भी तो हो ना। रिश्ता एक है तो सही। अच्छा? हाँ, लड़का लंदन में है और बड़ा ठीक ठाक उसका कारोबार है, और अपना मकान है उसका जाती। अच्छा, करता क्या है? काफी कुछ करता है, मतलब एक कारोबार है, फिर ये है कि खुश शक्ल है, पढ़ा लिखा है, आइडियल है। आप ही आप पैसा करें, उन्हें मेरे अम्मी अब्बू से मिलवा दें। हाँ, बस एक कसर। वो क्या? थोड़ा सा सरा सा शादीशुदा। जी, मैं लानत भेजती हूँ ऐसे रिश्ते पे। और वैसे भी मुझे क्रिएटिव लोग पसंद है, मैं किसी टीवी प्रोड्यूसर से शादी करूंगी। क्रिएटिव लोग, ये जो सिनेमा के बोर्ड लिखते हैं ना, और ये जो वीडियो वाले हैं, वो भी खासे क्रिएटिव हैं। और टीवी प्रोड्यूसर, वो घर आएगा तो शादी करोगी ना, वो तो वहीं रहते हैं। मिडिल क्लास कॉम्प्लेक्स। तुम्हें काय की खुशियां चढ़ी हुई है? अरे मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें तो पता ही नहीं है? चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। हाँ, अब तक पता नहीं किस किस को आइसक्रीम। चलो तुम्हें खिलाता हूँ आइसक्रीम। मुझे खिलाओ। हाँ, चलो ना।
आइए 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 आइए। आपके हुक्म के मुताबिक सर मैंने बंदों की ड्यूटी लगा दी जी। सर जी झंडियां फानूस मैंने खरीद के ना टोकरे वाले को दे दिए, वो लेके आ रहा है जी। ओ शाबाश भाई, तुमने तो बड़ा काम किया आज, मैं बहुत खुश हूँ। तुम लोगों ने इंतहाई अच्छा काम किया, बहुत मेहनत से काम किया, और इसी बात पे तुम्हारी तनख्वाह में 12.5 रुपए का 50 रुपए का और नवीद तुम्हारी तनख्वाह में तुम्हारी जो कर्जे की दरखास्त थी वो मंजूर। और वो रेम्बो का वो जो स्टोर से रंग करने का सामान निकलवाने, अच्छा हाँ उसको कहना कि उसकी तनख्वाह में 50 रुपए का इजाफा और उसको बोनस, एक अदद बोनस। सर सर अरे इनकी तनख्वाह में तो 100 रुपए का इजाफा, आज मैं बहुत खुश हूँ। शमी साहब ईमान से इस वक्त पूरे राजा का मोर लगे हैं। अच्छा चलो ना भाई, बहुत देर हो गई है। बच्चों जी ये आज सूरज मशरिक से ही निकला था। नहीं जी हम जरा देर से उठे थे जी। बस वो खामोशी से ही निकल गया था जी। अरे चलो ना तो मैं आइसक्रीम खिलाता हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप यकीन कीजिएगा कि मैं बचपन से ही आपका मद्दाह था। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा खेलते थे, बहुत अच्छे शॉट्स खेले हैं आपने। टी साहब आपने मेरा वो मैच तो जरूर देखा होगा जिससे जो मैंने लॉर्ड्स में खेला था, उसमें मैंने सेंचुरी बनाई थी लॉर्ड्स में। इत्तफाक है कि मैं वो मैच देख नहीं सका, लेकिन मैंने रेडियो पर उसकी कमेंट्री सुनी। उसकी सबसे दिलचस्प बात ये थी कि तमाशाइयों में से एक का हार्ट फेल हो गया था जब मेजबान टीम का खिलाड़ी 99 पे आउट हो गया था, उसे मैंने आउट किया था। आपने आउट, लेकिन मैंने तो नहीं सुना। आपने नहीं सुना ना, मैं आपको इसकी तफसील सुनाता हूँ। चलो ठीक है, कर लेते एक म्यूजिकल इवनिंग का इहतमाम। मैं ऐसे करती हूँ ना, रिहाना और साइमा है ना, उन्हें फोन करती हूँ कि वो किसी पुरानी गाने वाली को बुला ले। एक नहीं बुलानी, कम से कम दो तीन बुलानी, एक ना दूसरी तीसरी, कोई तो काम आए ना। अरे बड़ी जल्दी, एक नहीं बुलानी दो तीन, तो पैसे कौन देगा? अरे पैसे मैं दूंगा, और कौन देगा? मैं ही। कितने पैसे? पैसे मैं तुम्हें 30,000 रुपए दूंगा इस काम के। 30,000 रुपए? 30,000 रुपए क्यों? 30,000 रुपए थोड़े, देखो ना 30,00,000 रुपए का ठेका है। 30,00,000 रुपए के ठेके में अगर 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर दे तो क्या बुरी बात है। ये ना मिसेस डी अंग्रेजी की बड़ी शौकीन है, तुम देखा तुम ऐसा करो तुम्हारी जो सहेलियां ना जो अंग्रेजी अंग्रेजी ठीक ठाक बोलती हैं उनको बुलाओ, जरा उनको बुला के ना खूब इम्प्रेस करो, फिर उसको सैर कराने ले जाओ टेक्सला। टेक्सला? हाँ चलो ठीक है ले जाएंगे, सारे कदीमा भी दिखा देंगे। सारे कदीमा दिखाने की क्या जरूरत है, सारे कदीमा तो घर में मौजूद है। मजाक कर रहा था मैं, देखो मैंने मजाक किया। शमी में तुम्हारी आनंद पे क्या लगा? क्या लगा मेरी आनंद? तो जनाब डी साहब इसी किस्म के लोग थे वो, ड्यूटी के लिए मर मिटने वाले। सर गैरी सोबर, ब्रेडमैन, सिम्पसन, लिटलवुड, तब ये वनडे मैच नहीं हुआ करते थे। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? जी हाँ सुन रहा हूँ। आ जाओ भाई, कौन है? मुझे तो ये वनडे क्रिकेट क्रिकेट का प्ले बॉय लगता है, यानी दुनिया खाम खा पागल हुई फिर रही है उसके लिए। अब मुलाहजा कीजिए, 36-36 नो बॉल, 30-30 वाइट बॉल। एहसास साहब एक मिनट। सर फोन है भाई, कह दो उनसे मैं बिजी हूँ। सर फोन है जी, मैं जरा फोन सुनकर अभी आ जाऊं। नवीद नवीद तुम फारिग हो? मैं एक मिनट वो अरे यार डी तुम अभी तक यही हो, तबीयत तो ठीक है ना? बस जरा एहसास के कमरे तक चला गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो आप क्रिकेट पर पूरी एक किताब लिख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। बेचारा क्यों क्या हुआ? वैसे वो क्रिकेट की एक चलती फिरती तारीख है। हाँ ये तो है। मैं चलता हूँ।
अरे मैं भी चलता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर आऊंगा। वैसे नवीद, मेरा कोई टेलीफोन तो नहीं आया था? तुम्हें कहाँ से फोन आना था इसको? अरे कल के प्रोग्राम के लिए 10 लोगों को कहा है, किसी का भी टेलीफोन आ सकता है। ये बताओ, वो अपनी भाभी की आमद तो कन्फर्म है ना? बिल्कुल। हाँ बस ठीक है, तुम चल रही हो हमारे साथ? ये छोड़ने जा रही? हाँ। नहीं, मैं तो जाके अब सोऊंगी। हाँ मेरा ख्याल है तुम सो। मेरा मतलब है कल की इतनी। देखो मेरा कोई टेलीफोन आया ना तो तुम्हें डी साहब का नंबर तो मालूम है ना? जी ठीक है, लेकिन ये ख्याल रखना कि कल जो रंग रोगन का सारा काम वाम करना है उसकी तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए। बेफिक्र हो जी। ठीक है चलो ठीक, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। मैं मुरादे को बताता हूँ। ओ मुरादे, यहाँ एहसास साहब ठहरे हुए हैं। आप इंजमाम? एहसास साहब की किताब है, उसके बारे में मेरे अंकल ने ये कमेंट्स दिए हैं, कुछ इसमें मौजूद हैं। अच्छा, मेरे अंकल और एहसास साहब इकट्ठे खेलते रहे। माशाल्लाह सर। हाय अल्लाह, कितना गजब का खेले आप, वर्ल्ड कप कितना प्यारा था। हाय अल्लाह, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये आए। हाय मैं आपको मिलाता हूँ, वजह नहीं आते आए। इंजमाम अल हक साहब ये हमारे इधर गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, इनसे मिले। मैं इंजमाम अल हक नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हुई है। नहीं नहीं नहीं, आपका टाइम जाया नहीं हुआ। माई नाम इज रंबो, रंबो जान रंबो फिल्म स्टार, आप मुझसे ऑटोग्राफ लें। चले बाहर आप, चले आप आगे आ जाते हैं, चले बाहर निकले। किसने बुलाया आपको? चले यार आप चले। देखिए मोहतरमा, आपको कोई प्रॉब्लम है? आपको पहले भी गलत फहमी हुई थी ना, मैं इंजमाम उल हक हूँ और ना ये वसीम अकरम है। बेटा जी, जी एहसास कहाँ है? एहसास है ही नहीं जी, खत्म हो गया दुनिया से। क्या मतलब? क्या बकवास कर रहे हो, वो एहसास साहब का पूछ रही है। अच्छा अच्छा, वो क्रिकेटर? क्रिकेटर होता है। आइए जी मैं आपको ले चलूं प्लीज। हाँ तो साइमा, मैं ये शमीम, ये फराटों की वॉल्यूम जरा कम कर दो, मैं बात कर रही हूँ जरूरी। हाँ साइमा, हाँ वो शमीम। हाँ, अच्छा नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं ये नए गाने वाले नहीं, नहीं समझाओ ना भाई, पुराने चाहिए, पुराने क्लासिकल गाने वाले। हाँ गाने वाला कोई भी। क्या मतलब है, काम ही छोड़ गए? नहीं तो शमीम, ये क्या कर रहे हो तुम, फराटे भर रहे हो, डरा रहे हो? चलो एक गाने वाली हो जाए, बेशक गाने वाली हो जाए, ठीक है करोगी ना, वादा ना पक्का है? हाय थैंक यू वेरी मच, तुम किस कदर अच्छी, थैंक यू, जीती रहो, खुदा हाफिज। शमीम ये तुम्हें काहे के खुमार चढ़े हुए, उधर सारा गेस्ट हाउस उथल हुआ पड़ा और तुम घोड़ियां बेच के सो रहे हो। भाई या अल्लाह, नींद देखो शमीम, शमीम उठ जा। हाय अल्लाह शमीम, तुमने डरा दिया मुझे। चल ठीक है ठीक है, नमस्ते, यही है बादो। मैं सच्चे जाऊं, कितने कामे हो गए बच्चे, शाबाश शाबाश जी। 4 फोन आ चुके हैं जी, मिसेस अब्बासी, मिसेस गाला, अजीजा और एक पता नहीं। अच्छा गाने वाली? और नहीं जी, नहीं गाने वाली नहीं, वो मेहमान बेगमात की बात कर रही है। उन्हें दफा कराओ मुफ्त खोरों को, मैं पूछूं गाने वाले को कंफर्म हुआ कि नहीं हुए। हाँ जी वो एक आरिया सदीकी है जी और नरगसी को, नहीं नरगसी बेगम है जी, और वो उस्ताद झटके खान जो है वो कन्फर्म है। अच्छा तो पैसे कितने लेंगे? 5,000-5,000 रुपया उन्हें लेना है जी, और म्यूजिशियन के पैसे हम देंगे जी। 5,000-5,000? लो इतने में तो 6 सोने की चूड़ियां बन जाती। उठाए फिर यही करने जी।
तुम क्या कर रहे हो अपना मुराद? जी जी बांध रहा हूँ जी फानूस। अच्छा तो अगर काम करने का मूड बन ही गया था तो साथ वाले घर से घोड़ी मंगानी थी और उस पे चढ़ के ये पंखे के जाले भी साफ कर देने थे जरा। और ये तुमने क्रैश लैंडिंग होता है। वही कह रहा हूँ ना। वाह 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 भाई वाह, बड़ी सजावटें हो रही हैं, बड़ी झंडियां लग रही हैं, जबरदस्त लग गई हैं। बस ये फानूस अभी 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 फानूस मेहमानों ने तो वहाँ शायद डाइनिंग हॉल में बैठे हैं। सर वो डाइनिंग हॉल की भी पार्टीशन हो गई है। ये रहे जी जान रामो ने कैसा काम किया। वाह भाई वाह वाह रामो, तूने तो कमाल कर दिया ये सारा कुछ। सर जी देख 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 क्या है ये, क्या किया है ये? सर जी ये पार्टी टीशन है। क्या? हाँ जी इधर देखें जी, पार्टी होगी इधर, खाने पीने का टिशन होगा, पार्टी टिशन ये बीच में। बेवकूफ ये पार्टीशन होता है, पार्टी टिशन। वैसे एक बात है रैम्बो, ये सारा किया तूने बहुत जबरदस्त है, पर ये जो चीज है ना ये तेरा पार्टी टिशन, ये जरूर किसी का मुंह तोड़ेगा और कुछ नहीं है। नहीं 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 सर जी मैं इधर खुद बैठूंगा जी, इधर कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं खुद बैठूंगा। अच्छा सर देख के चला करो यार। यार ये बड़ा खतरनाक है भाई। ये मैंने इसे भी कहा है कि बड़ा खतरनाक है, इसकी समझ में नहीं आता। सर जी मैं हूँ कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या मतलब? अच्छा सर वो म्यूजिशियन आ गए जी, उनका क्या करना है भाई? उनको लॉन में बिठा दो, करना क्या उनका? अच्छी बात है। हाँ। और सर जी मेरा ख्याल है ना, लॉन में मौसीकी सारी कर देते हैं उधर ही बाहर। हाँ चलो ऐसा काम नहीं कर रहा है, लॉन में मच्छरों का हमला करवाना मेहमानों के ऊपर बेवकूफ। मच्छरों का माई ना मिस रंबो रंबो जान रंबो मच्छर छछर सारे। ये क्या ये इसका रैम्बो का पार्टी टीशन है और क्या? ये तो बेवकूफी है, मेहमानों की बत्तीसियां निकलवानी। नहीं नहीं बहन साहब जी आप फिक्र ना करें, मैं इधर बैठ के मेहमानों को खुद तरपाऊंगा जी इधर उधर। सर आप मुझे हाथ पकड़ाए, आप नहीं सर, आराम से आराम से, ये पार जाके ना। क्यों 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 क्यों? जब मैं आया हूं तो मैंने कुर्सी हिला के सिर्फ इतना पूछा है कि भाई कहां हो, और बस। सर हमारे यहां जब कुर्सी हिल जाए तो फिर यही हाल होता है जी। बहरहाल मैं ये बताने के लिए आया था कि एलिस आ चुकी है। अच्छा जी, और हम लोग शाम को 5 बजे यहां होंगे। बेहतर सर, शुक्रिया। अच्छा शुक्रिया जी। ओ यार उठो यार। ओ सर वो मिस्टर डी आए थे जी। हाँ। वो कह गए कि उनकी बेगम आ चुकी है जी, वो 5 बजे आ जाएंगे। और बेगम साहबा वो जो आर्या बेगम है ना जी, उन्होंने कहा है कि एडवांस जो है वो मेरे घर भिजवा दें, और उस्ताद झटके खान जो है वो कराची चले गए हैं जी। या अल्लाह क्या हो बे साहब जी, हमारे सारे इंतजाम मुकम्मल है जी, बस सिर्फ वो फूलों का बूफे तो रह गया। बूफे ओ बेवकूफ, फूलों का बूफे ओए फूलों का बुके होता है, इतनी किसने बताया? हाय अल्लाह, देखो 5 बज गए हैं और अभी तक मेहमानों में से भी कोई नहीं आया। मैं तो शमीम बड़ी नर्वस हो रही। ये नर्वस होने की बात नहीं है, तुम्हारी सारी की सारी सहेलियां जो है ना है ही निकम्मी, सब की सब लगी होंगी किसी ब्यूटी पार्लर की लाइन में। तो गाने वाले भी तो कोई नहीं आई है ना? अल्लाह रहम करे जी, गाने वाले जो हैं वो बगैर एडवांस के नहीं आते। हाँ जरा देखो तो। क्या मतलब? ये क्या मतलब हुआ देखो तो? तुमने एडवांस नहीं भेजा था उन्हें? ले मारे गए बिल्कुल ही। ओहो अल्लाह क्या होगा वो मुराद। हाँ जी मुराद, तुम इस तरह करो, तुम ऊपर जाके ना तो जितने गेस्ट है उसमें मेहमान है ना उन सबको बुलाओ, नीचे लेके आओ। वो आएंगे जी? नहीं तो तुम कहना कि आज का जो खाना वो हमारी तरफ से मुफ्त, रात का डिनर। अच्छा जी, म्यूजिक सुने। मैं अभी ये बांध के ना जी फानूस जी फिर जाता हूँ जी। सर जी वो अपना मिस्टर डी साहब आ गए जी, उनकी मैम भी उनके साथ है। फटाफट सारे मेहमानों को इकट्ठा करके नीचे ले आओ, अगर ना है ना उन्हें कहना कि शाम का खाना फ्री है। हेलो हेलो हेलो, आइए प्लीज आइए।
डाली जा मेरा। बेगम एलिस कह रही है कि वो ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती, फंक्शन शुरू करवाया जाए। अच्छा हेलो हेलो नरगिसी बेगम भाई कुछ बोलो तो सही ना फोन से, आओ या ना तुम्हारी मर्जी। बात साहब जी ये सीधा तो करें उसके मुंह में आवाज आ रही होगी। फोन मैंने उल्टा पकड़ा हुआ, देखा मैं कितनी नर्वस हो रही हूँ। हेलो बेगम साहब जी नंबर तो मिलाएं जी। हाँ सर जी शाबाश, मैं वाकई बड़ी नर्वस हो रही हूँ। देखो पता नहीं कोई म्यूजिक वाला आता भी है या नहीं, फिक्र ही ना करें। मुझे याद है। हेलो कोई म्यूजिक का फंक्शन हो रहा है। जी जी हेलो, मैं और एहसास भी शामिल हो सकते हैं? हाँ जी क्यों नहीं जरूर। हेलो हाय अल्लाह, हाँ जी तुम ऐसे करो ऊपर जाओ और एहसास को एहतियात से कंबल उड़ा कर नीचे ले आओ। अच्छा कंबल उड़ा के क्यों जी? उन्हें बुखार है ना। ओए बुखार हो गया, मैं अभी लेके आता हूँ, आप फिक्र ही ना करें, मैं अभी लेके आता हूँ। इतनी फिक्र नहीं किया करते, बुखार हो गया तो क्या ठीक हो जाएगा, मर्दों की ज्यादा फिक्र करें ना सर पे चढ़ जाते हैं। हेलो वो मिसेस शमीम गई है अभी टेलीफोन करने के लिए, वो अभी गाने वाले अभी आते होंगे। हाँ जी आते होंगे जी, आते भी होंगे जी अगर पहुंच गए तो। एलिस कह रही है कि वो मजीद 5 मिनट और यहाँ रुकेंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है 5 मिनट के अंदर वो एहसास एहसास आइए सर प्लीज, इन्हें बुखार हो गया। आप खैरियत? Rose Hugh, I'm so glad to see you. Please have a seat. Thank you, Mr. Samim. Her voice is a gift. आपका मतलब ये है कि ये गाना जानती हैं? भाभी आए ना प्लीज। मैं गाना छोड़ चुकी हूँ। गाना छोड़ दिया? एहसास साहब भाई आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आपकी बेगम गाना भी जानती हैं। माफी चाहता हूँ शमीम साहब, शायद मुझे बताना याद नहीं रहा, मेरी बेगम माजी की मशहूर गुलकारा अफरोज बेगम है। जी अच्छा। शादी के बाद इन्होंने पब्लिक में गाना छोड़ दिया था। पब्लिक ये तो सारे अपने लोग हैं ना। भाभी आप आए ना प्लीज। हाँ उन्होंने इजाजत दे दी, आइए 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 आइए। थैंक मेरे साहब जी इंतजाम हो गया जी, काम बन गया जी। किस तरह कौन है? वो जो मिसेज एहसास है ना जी, वो तो बड़ी जबरदस्त माजी की गाने आनी है जी। वाह वाह वाह। कौन वो जो भी यहाँ से बात कर? हाँ वो जो मिसेज डीनी आई है। हाँ। वो उनसे गले मिली है, बातचीत की है उन्होंने। ये जो एहसास साहब है ना, उन्होंने शादी के बाद इनसे गाना छुड़वा दिया था। कौन अपने वो मिसेज डी मेम वो गले मिली? हाँ इतनी अच्छी आवाज है इसकी। सही ये देखो जरा एहसास को, अपने कितने कसीदे पढ़ता रहता है और बीवी के टैलेंट का जिक्र तक नहीं किया। मर्द लोग होते ही बहुत बुरे। सही हाँ जी मेरे साहब जी आए छोड़े सुनते हैं जी। हाँ सुनते मेरे साहब जी, आप मेरे टैलेंट का उधर जिक्र करेंगी ना? टेलीफोन उठा के तेरे सर नहीं आए सुनते हैं, टेलीफोन रखा नहीं जाता और जिक्र करें जी। शमीम तुम तो जानते हो कि कल हम कराची जाएंगे और सर हम दोनों ने जी वो एक दरख्वास्त दी थी आपको। कैसी दरख्वास्त दी थी भाई? सॉरी सर आपको बताना याद नहीं रहा जी, हम लोग भी अब्रॉड जाने का सोच रहे थे जी। एलिस कह रही हैं कि जिन दो अफराद को उन्होंने इस्लामाबाद से मंतखब करना था कर लिया है, शुक्रिया। जी मेरी बात तो सुनो, वो मैं ये कह रहा था तुमसे कि वो मेरे काम का क्या हुआ? एलिस कह रही है कि तुम्हारा काम हो गया। ओ थैंक यू डी, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक यू। ओ थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, नाइस ऑफ यू, थैंक यू डी, थैंक यू। मुराद तुमने सुना है मिस्टर डी ने दो बंदे सिलेक्ट करने थे? अच्छा।
अब मिसिज एहसास जो है वो गाने के प्रोग्राम करेगी और एहसास साहब की क्रिकेट पर किताब छपेगी। बहु नवीद मौजब लोग बड़े नवादरात पसंद होते हैं। वाकई पुरानी चीजों से नई राहें निकालते हैं। क्या समझे रामा? बहु नवीद मैं तो ये समझाऊं कि मजहब वो होते हैं जो पहले गराज बनाते हैं, गाड़ी के धोने का बंदोबस्त करते हैं, उसमें गेट लगवाते हैं, फिर जाके गाड़ी लेते हैं। और गैर मजहब वो होते हैं जो पहले गाड़ी लेते हैं, दूसरे दिन ही नौकर से कहते हैं ओए इसे बाहर गली में खड़ा करके तो ताकि चिकड़ बने, दो चार बंदे तिलके उन्हें पता चले कि हमने गाड़ी ली है। Take out the cup.